भुवनेश्वर धाम में हालात लगातार बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, उम्मीद से कई ज्यादा भीड़ पहुंची है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ड्रोन की मदद से तस्वीर निकाली गई है, ये वीडियो निकाला गया है। 21 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। ये रेलवे स्टेशन की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां दो दो तीन तीन दिन से लोग भूखे प्यासे यूं ही पड़े हुए हैं रुद्राक्ष के इंतजार में। भीड़ बढ़ने के बाद रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित कुबेरेश्वर धाम में उम्मीद से ज्यादा भीड़ पहुंची है, जिसके चलते पंडित प्रदीप मिश्रा ने रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया है। भीड़ के चलते भगदड़ में महाराष्ट्र से गई एक महिला की मौत की भी खबर है, और यहां पर वाहनों की लंबी लाइनों की वजह से इंदौर भोपाल हाईवे पर भी जाम लगा हुआ है। रुद्राक्ष के लिए अपनी बारी का कई लोग इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों की ये शिकायत है कि लोग तीन चार दिन भूखे प्यासे लाइन में खड़े रहे धूप में, और उसके बाद भी उन्हें रुद्राक्ष नहीं मिला। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, जिससे फिलहाल के लिए हालात को काबू करने के लिए, भीड़ को काबू करने के लिए रुद्राक्ष का वितरण बंद कर दिया गया है। बता दें, रुद्राक्ष महोत्सव में उम्मीद से कहीं ज्यादा भीड़ पहुंची हुई है। आलम यह हुआ कि सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई है, लाइन में लगने की वजह से कई लोग बेहोश हुए हैं, बीमार पड़े हैं। इसके अलावा लाइन इतनी ज्यादा लंबी हो गई कि रुद्राक्ष बांटना मुश्किल हो गया है, जिसे देखते हुए धाम में रुद्राक्ष का वितरण फिलहाल रोक दिया गया है, और व्यवस्था सामान्य होने के बाद फिर से रुद्राक्ष वितरण किया जाएगा, क्योंकि प्रशासन व्यवस्थाएं पूरी तरह से डाउन होती हुई नजर आ रही है। लाखों की संख्या में भक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं, और बताया जा रहा है कि लगभग 5 लाख रुद्राक्ष बांटे गए हैं। श्रद्धालुओं की भारी संख्या होने की वजह से बैरिगेटिंग टूट गई है, जिसकी वजह से समिति ने रुद्राक्ष का वितरण बंद कर दिया है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।